तो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। ये देखा, जिस तरह आप गेम प्ले भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर, यहाँ पर हेडशॉट पैडशॉट लगे जा रहे हैं। तो भाई लोग, आज की वीडियो में आप बिल्कुल सही समझे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदर FF। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप हेडशॉट हैक कैसे कर सकते हो। फ्री फायर 100% वर्किंग ट्रिक है भाई, एकदम। आपको बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना, फिर आप, बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई, कोई भी बंदा कर सकता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बल्कि एक हेडशॉट APK फाइल है, जिसे आप डाउनलोड करके आपको बस अपने फ़ोन में उसे इंस्टॉल करना है। और बस उसमें थोड़ा सा एक काम और करना है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है। और भाई, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उस हैक को रिमूव कैसे कर सकते हो, और भाई इससे ID बैन होगी नहीं, पासवर्ड क्या है, ये सब आपको पूरी वीडियो में पता लगेगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा भाई, उस लिंक को आप जैसे ओपन करोगे भाई, आप लोग एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम है Zarchiver। उसी से हो पाएगा, उसके बिना ये नहीं होगा, ठीक है ना। Zarchiver आप जानते होगे, जो लोग, जो बंदे हेडशॉट वगैरह यूज़ करते हैं, आप कोई भी फाइल में अगर आप कुछ चेंज करते हैं, तो उसके लिए आपको Zarchiver चाहिए। प्ले स्टोर से मिल जाता है बहुत ही ईजिली, तो आप वो डाउनलोड कर लेना, उसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Zarchiver डाउनलोड करने के बाद एक फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक पर जाना और वो फाइल भी डाउनलोड कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, यही वो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है, आपको इस लिंक को ओपन करना है। मैं इसे अपने अलग फोल्डर से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद क्रोम वाले ऑप्शन में जाना है, क्रोम पे टैप करना है। जैसे आप क्रोम पर टैप करोगे, तो भाई कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। और भाई, ये देखिए, आप ऊपर राइट कॉर्नर में एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, एक एरो आ रहा है डाउनलोड का। यहाँ पर आप जैसे टैप करोगे, फिर दोबारा से एक ऑप्शन आएगा क्रोम का, आपको फिर से क्रोम पर टैप करना है। जो फुटबॉल वाला आइकन है भाई, ये मेरा क्रोम का है, ऐसी थीम है इसमें। और ये देखें, यहाँ पर डाउनलोड पूछ रहा है इसे डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड इट अगेन, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही है, तो इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, बट आपको इसे डाउनलोड कर लेना है भाई। डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है, और अब देखें, आप स्टेप देखिए, ध्यान से देखना भाई, ये मेन पार्ट है वीडियो का। आपके फाइल मैनेजर में फाइल आ गई होगी, उसके बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है, और फिर डाउनलोड्स में जाना है, और फिर जहां पर भी आपकी फ़ाइल होगी, देखिए ये रे वाली फाइल, तो इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। यहां से कुछ ऑप्शन आ जाएगा, एरा सेंड का ऑप्शन, सेंड करने के बाद आपके पास भाई ये वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए Zarchiver, इसको पहले से आप इंस्टॉल करके रखना, इसके बिना ये नहीं होगा, ठीक है। Zarchiver पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस वाली फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और ये देखो फ्री फायर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस जब आप करोगे, तो यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको ऊपर देखें, यहाँ पर जहाँ पर डाउनलोड लिखा हो रहा है, यहाँ पर देखें डिवाइस मेमोरी का ऑप्शन है, आपको डिवाइस मेमोरी पर क्लिक करना है भाई। ध्यान से देखना, बिल्कुल कुछ भी मिस मत करना, वरना आप इसको नहीं कर पाओगे। फिर आपके सामने बहुत सारे फोल्डर आएंगे, इन फोल्डर में आपको एंड्रॉयड का ऑप्शन मिलेगा। एंड्रॉयड में जाने के बाद आपको डाटा में जाना है भाई, OBB में नहीं जाना, ठीक है, डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद ये देखें, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये नीचे कॉर्नर में ग्रीन कलर का, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर जैसे आप टैप करोगे, तो एक कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, एक ऐसा पेज ओपन होगा, इस पेज को आपको कर देना है रिप्लेस, ठीक है भाई। अब देखिए, सक्सेसफुली सब कुछ हो गया। अब जैसे आप रिप्लेस कर दोगे, उसके बाद आपको अपना गेम स्टार्ट करना है दोबारा से, अगर जो आपका हैक लग चुका है भाई। अभी देखिए, मैंने अपना गेम ओपन किया, और भाई यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। लेकिन ये देखिए, आपका हैक कैसा लगा आपको पता लगेगा कैरेक्टर में जाने के बाद। तो देखिएगा, जैसे आप कैरेक्टर में जाओगे, और ये देखिए मेल कैरेक्टर की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। ये हाथ पैर अपने पूरे सीधे किया हुआ, अटेंशन पोजीशन में बिल्कुल हमारा मेल कैरेक्टर हो सकता है। सिर्फ जो फीमेल कैरेक्टर है वो इसमें नॉर्मल दिखेगा, और भाई कुछ कैरेक्टर्स का इसमें जो है सिर बड़ा दिख सकता है आपको, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे इस कैरेक्टर का सिर है बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, आपको वॉल्ट में जाना है, और वॉल्ट में जाने के बाद कुछ ड्रेसेस, जैसे कि अगर मैं इसको ये वाले बाल पहनाता, तो देखिए अभी भी इसका सिर बड़ा है। लेकिन अगर आप इसको पूरा बंडल पहनाते हो, जैसे मैं यहाँ से इसको पूरा का पूरा बंडल अगर इक्विप कर देता हूँ, तो इसका सिर एकदम नॉर्मल हो चुका है भाई। ये है एक बहुत ही वर्किंग ट्रिक सिर इसका नॉर्मल करने की। और भाई कुछ कैरेक्टर्स आते हैं ऐसे हैं जिनका सिर बहुत ही सारी ड्रेसेज में नॉर्मली रहता है। ये जो ये वाली है अभी डाउनलोड नहीं है, जो आँख पर ये पट्टी बंधी है जिसके, इसमें भी एकदम सिर नॉर्मल रहता है। तो आप पूरा बंडल अगर कोई पहनाते हो, तो भाई मैंने देखा है मोस्टली अगर पूरा बंडल पहनाते हैं, तो कैरेक्टर का सिर एकदम नॉर्मल साइज़ का रहता है। तो गेम प्ले करके देखना, कमेंट करके बताना भाई आपको ये हेडशॉट हैक कैसे लगा। लेकिन अभी एक चीज़ रह रही है वीडियो में, जितना मुश्किल इसको लगाना है हैक को, उससे भी ज़्यादा मुश्किल इसको रिमूव करना है। तो कोई एक हैक किस तरह रिमूव करना है, तो देखिए भाई ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, वरना आप इसको नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको Zarchiver में जाना है, Zarchiver में जाने के बाद आपको एंड्रॉयड में जाना है, एंड्रॉयड में जाने के बाद आपको डाटा के अंदर जाना है। डाटा के अंदर जाने के बाद भाई आपको यहाँ पर एक com.dts फ्री फायर लिखा हुआ दिखेगा, com.dts फ्री फायर, ये देखिए ये रहा com.dts फ्री फायर, आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको फाइल्स के अंदर जाना है, फाइल्स के अंदर जाने के बाद आपको कंटेंट कैशे के अंदर जाना है, कंटेंट कैशे अंदर के उसके बाद फिर आपको कंपलसरी ऑप्शन है, कंपलसरी के मतलब कंपलसरी के ऊपर आपको टैप करना है। फिर उसके बाद वापस फिर से दोबारा एंड्रॉयड ऑप्शन है,
एंड्रॉयड जो आपको एंड्रॉयड दिख रहा है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा और सबसे नीचे डिलीट वाला ऑप्शन है, आपको इसे डिलीट कर देना है। यहाँ से आपको इसको कन्फर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं यस करता हूँ तो ये देखिए डिलीट हो रहा है, और इसको डिलीट होने दीजिए आप, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और बस ये हो गया। उसके बाद आपको अपना फ्री फायर ओपन करना है। गाइस मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस तरह आपको करना है, रिमूव कैसे करना है और इसे लगाना कैसे है। और भाई इसको आप अपनी मेन आईडी में बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि हो सकता है आपकी आईडी बैन हो जाए। देखिए मेरी आईडी अब तक बैन नहीं हुई है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन भाई बैन हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इसको यूज़ मत करना रियल आईडी में। और भाई मैंने इसी तरह की एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी हेड शॉट हैक की, वो भी आप ज़रूर देखना, एकदम 100% वर्किंग ट्रिक थी वो भी हेड शॉट हैक की। और भाई फ्री में बंडल्स और कपड़े है तो भाई सबको पता ही है, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की है। और आप मुझको भैया पर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फ्री में कस्टम खेलना है, और अगर आप गिव अवे में पार्ट लेना चाहते हैं तो भैया पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी भैया आईडी का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज़।